अभी तक आपने एक भी पेमेंट यूट्यूब से नहीं लिया है? नहीं सर, अभी तक एक भी पेमेंट नहीं लिया और 5 महीने हो गया समथिंग मेरा चैनल मोनेटाइज हुए। मतलब आपका चैनल मोनेटाइजेशन ऑन हो गया हाँ। और आपको पैसे तो आने चाहिए थे, पैसे की बारिश होने लगती है यूट्यूब पे भाई। ऐसे कैसे होगा सर? आप गाइस, आपने कभी सोचा है कि 2 साल से एक लेडीज हैं ऐश्वर्या जी, जो 2 साल से चैनल पे काम कर रहे हैं और आज तक इन्होंने एक पेमेंट तक नहीं लिया अपने यूट्यूब चैनल से। आप सोचिए आप कि एक हाउस वाइफ है, वो साथ ही साथ अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, घर का पूरा काम करती हैं, खाना बर्तन सब कुछ करती हैं और वो यूट्यूब पर कंटिन्यू काम भी कर रहे हैं। और आज मैं इनके पास मिलने आया हूँ और इनके खुद घर आया हूँ मैं। लोग बोलते हैं कि मैं छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी सोच कुछ अलग है। आप लोग जानते हैं कि मैं खुद, आप अगर अच्छा काम करते हैं तो मैं आपके पास खुद दौड़ा दौड़ा चलाऊंगा, सिर्फ अगर आपका काम देखकर। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप काम नहीं करेंगे और मैं आपके पास आ जाऊंगा। आपका काम देख के आप खुद मुझे अपनी तरफ खींच सकते हैं, लेकिन चैनल पे काम करना बहुत जरूरी है, जो इन मैम ने किया है। और मैं इनके पास मिलने आया हूँ मैम, और आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूवर्स को। फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऐश्वर्या दुबे और मैं गोंडा की रहने वाली हूँ। एक्चुअली लोकेशन मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ और मेरे चैनल का नाम है टेक ऐश्वर्या। मैं टेक से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, 2 साल से बना रही हूँ और अभी इसमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है, लेकिन जो मेरा एक्चुअली था मैंने वही बताया है। और वैसे मेरा नाम है ऐश्वर्या दुबे, जो मैंने आपको बता ही दिया है। तो एक्चुअली मैं गाइस कि मैं आपको पता है कि मैं छोटे जो जो स्मॉल क्रिएटर्स हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, और साथ ही साथ एक अलग चीज़ है इन मैम में कि ये लेडीज़ हैं। ठीक है, अभी तक जो टेक फैमिली थी हमारी, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं थी कि कोई लेडीज़ आके यूट्यूब्स की टिप्स दें, चीज़ें समझाएं। अभी तक यहाँ पर मेल ही काम कर रहे थे, लेकिन फर्स्ट लेडीज़ हैं जो हाउस वाइफ है साथ ही साथ और यूट्यूब पर आपको टिप्स दे रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार इनसे मिलना चाहिए, इनका इंटरव्यू लेना चाहिए। आखिर इनकी इतनी जो संघर्षमय लाइफ है कि ये हाउस वाइफ भी हैं, घर का काम भी करती है और साथ ही साथ यूट्यूब भी काम कर रही है, तो कितना प्रेशर हो सकता है फैमिली का, इनके हस्बैंड का। और आप हमें बताएंगे कि आपने यूट्यूब कितने साल पहले स्टार्ट किया था और क्या सोच के किया था? सर, मतलब यूट्यूब पे एज ए फन के तरीके से आए थे, मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं था, क्योंकि हमारे जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे कोई यूट्यूबर्स नहीं है और मुझे यूट्यूब पे काम करते हुए 2 साल हो गया। लेकिन बस मैंने सोचा था कि यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज था वो मैं शेयर करूंगी। अच्छा, और मुझे ये नॉलेज ही नहीं था कि यूट्यूब से पैसा मिलता है या यूट्यूब से पैसा कमाया था, बस मुझे यूट्यूब के बारे में नॉलेज था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे वीडियो देखती करती थी तो मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा जब ये लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं दूँ। अच्छा, बस यही सोच के मैंने यूट्यूब पे ज्वाइन किया और लगभग 400 प्लस मैंने वीडियो अपलोड कर दी। अभी रिसेंटली टाइम में 200 वीडियो मैंने अपलोड डिलीट कर दी और 270 वीडियो चैनल पे अभी होगी, लेकिन फिर भी मैं डेली काम करती गई और मैंने कुछ सोचा नहीं, और 2 साल हो गया मुझे यूट्यूब पर काम। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप 500-400 वीडियो अपलोड कर दिया है और आपको नहीं लगा कि यार यूट्यूब पर काम करना बेकार है, यार इतना मैंने काम किया है और एक भी पैसा मैंने नहीं कमाया अभी तक यूट्यूब से, तो कभी ऐसा फील हुआ कि आप यूट्यूब पर काम ना करें, छोड़ दें? सर, फील होता है, लेकिन जैसे मैंने यूट्यूब बताया ना आप लोगों से कि ज्वाइन किया, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पे पैसे मिलते हैं। अच्छा, मतलब मैंने सोचा कि टीचर की तरह जो फ्री जो है आपके पास एजुकेशन है, जो नॉलेज है वो दो, तो मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि यूट्यूब छोड़े, क्योंकि जब मैंने ये सोच के ज्वाइन ही नहीं किया था कि यूट्यूब से पैसे भी कमाए जा सकते हैं। अच्छा, तो जब ये चीज़ हमारे दिमाग में नहीं थे तो कभी डिमोटिवेट हुए नहीं। अच्छा, बस मैं डेली वीडियो बनाती गई और फिर कभी बीच में रुकी 1 महीने 2 महीने, लेकिन फिर काम किया। अच्छा, लेकिन अब आप क्या सोच के, ठीक है, किस चीज़ को सोच के यूट्यूब पर काम कर रहे हैं? सर, मैं एक्चुअली मैं ये सोचना चाहती थी या ये सोच के आई हूँ कि एज ए लाइफ में ऐसे कोई हर पर्सन है, लेकिन मैं कुछ अलग दिखना चाहती थी, क्योंकि जो नॉलेज था वो मैं किसी को दे सकूं, या मैं दिखना चाहती थी कि मैं ऐसे ज़िंदगी में आई या लाइफ में आई तो ऐसे ही चली जाऊंगी भगवान के पास, ऐसा अच्छा, नहीं। एक्चुअली में क्या होता है मैम कि शादी से पहले लाइफ अलग होती है, शादी के बाद की लाइफ अलग हो जाती है। ठीक है, शादी के पहले आप अपने जो आपके मम्मी पापा होते हैं उनके हिसाब से चलते हैं। ठीक है, इसके बाद आप अलग फैमिली के हिसाब से चलना पड़ता है, शादी के बाद हस्बैंड उनकी फैमिली। तो फिर आप जब उस लाइन से जब आप यहाँ पर आए, तो यहाँ पर जब आप यूट्यूब चैनल आपने बनाया तो क्या रिस्पॉन्स था, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, कितना हद तक सपोर्ट किया, ये आप हमें बताएंगे? जी सर, सर 1 साल लगभग मुझे समथिंग 1 साल के ऊपर हो गया वीडियो बनाते हुए, फैमिली में मैंने किसी को बताया ही नहीं। अच्छा, मतलब फेस कैन वीडियो बनाते थे लेकिन किसी को बताया नहीं, सिर्फ हस्बैंड को पता था, थोड़ा बहुत उनको नाराजगी थी लेकिन वो सपोर्ट करते थे। जी, जी। मतलब उतना विरोध भी नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि फैमिली उनकी सपोर्ट नहीं करती थी और शुरू शुरू में फैमिली ने बोला कि ये क्या कर रही हो, बहू हो, एरिया लोकेशन या कॉलोनी जैसी भी होती है आप समझ सकते हो, और एक लेडीज भी होने के साथ बहू हूँ,
तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग ताना कसी करना, उल्टी सीधी बातें करना कि ऐसा ये क्या करोगी, ना कटाओगी समाज में। तो एक साल तक मैंने समथिंग किसी को बताया ही नहीं और किसी से मैंने कभी कहा नहीं कि मेरी वीडियो देख लो या मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। और आज के टाइम में रियल यही है कि मेरे कोई भी रिलेशनशिप के लोग नहीं जानते हैं कि मैं यूट्यूब बनाती हूँ और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं, बहुत सारे लोग ये भी ज्ञान देते हैं आकर यूट्यूब पर कि अपने ऑडियंस को बताओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ, वीडियो शेयर कर दो, अच्छा, ये अच्छा, कर दो, वो कर दो, तो आपके चैनल पे शुरुआत के व्यूज़ आने चाहिए। अच्छा, मैं जो बता रहा हूँ कि मेरे शुरुआत के कोई व्यूज़ नहीं है, क्योंकि मेरा आज तक कोई जानता ही नहीं कि मैं यूट्यूब पे थी। आप जानना स्टार्ट किए कि मैं यूट्यूब करती हूँ। तो अभी तक आपने एक भी पेमेंट यूट्यूब से नहीं लिया? नहीं सर, अभी तक एक भी पेमेंट नहीं लिया और 5 महीने हो गया समथिंग मेरा चैनल मोनेटाइज हुए। अच्छा, 5 महीने समथिंग हो गया और एक भी पेमेंट नहीं लिया आपने? अभी सर मेरे चैनल पे $25 या $26 ही बना है और अभी समथिंग तो मुझे मतलब आपका चैनल मोनेटाइजेशन ऑन हो गया। हाँ। और आपको पैसे तो आने चाहिए थे, पैसे तो भाई क्योंकि होता है सबसे पहला हमारा उद्देश्य कि 1000 सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट हो के चैनल मोनेटाइज हो जाए और इसके बाद तो पैसे की बारिश होने लगती है यूट्यूब पे। भाई ऐसे कैसे होगा सर, आप कंटेंट नहीं डालोगे, आप वीडियो नहीं डालोगे, 1000 सब्सक्राइबर आप बाय कर लोगे, 1000 वॉच टाइम बाय कर लोगे, आप वीडियो नहीं डालोगे, आपके चैनल पे व्यूज नहीं आएगा तो कैसे डॉलर बनेंगे? $100 चाहिए फर्स्ट पेमेंट लेने के लिए। और यही चीज मैं आपको कुछ अपने चैनल पे बताना चाहता था, मैं ठीक इसी चीज को लेकर इनके पास आया। ठीक है, ये भी चैनल पे काम करें, इनका भी मोनेटाइजेशन ऑन है, 5 महीने हो गया लेकिन अभी भी पेमेंट नहीं आया। कितने डॉलर हुआ मैम आपके चैनल पे? बता दिया $25 या $26 हुआ है। $25 हुआ है, पता है आपको? वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज मोनेटाइजेशन ऑन करा लेना नहीं होता है। कि आपने किसी तरीके से आपने टारगेट रखा है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करा के आप यूट्यूब से पैसे छाप पाएंगे, यह सिर्फ आपको छलावा, आपको गुमराह करने की कोशिश है। मैं तभी बोलता हूं मैम अपने चैनल पे कि आपको अपने चैनल को एक अच्छा चैनल बनाना है, बेस ऑडियंस बनाना है जिससे आपके चैनल पे हमेशा व्यूज आएंगे, और व्यूज आएंगे तो पैसा मिलेगा। सब्सक्राइबर का यूट्यूब पैसा नहीं देता है, ये चीज मैं पहले बता दे रहा हूँ, ना वॉच टाइम का देता है, देता है व्यूज का पैसा देता है अगर आपका चैनल मोनेटाइज है। जब व्यूज नहीं आएंगे तो भैया पैसा कहाँ से कमाओगे? जी सर जी, ठीक है, यही चीज मैं तभी सिखाया हूँ और हमेशा बोलता रहूंगा और बोलता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं। और सर अभी भी पेमेंट आने में जिस तरीके से मेरा व्यूज आ रहा है, लगभग 2 से 3 महीने लग जाएंगे। लग सकते हैं, लेकिन अगर उससे ऊपर लग सकते हैं, वही चीज है, तो आप आगे काम करेंगे यूट्यूब पर? बिल्कुल सर करेंगे, क्योंकि जब मैंने सोच के काम ही नहीं किया था कि मुझे पैसे चाहिए, बस, तो मैं बिल्कुल करूंगी। तो अब मैम ने डिसीजन लिया है कि यूट्यूब पर काम करेंगे, तो हम चाहते हैं गाइस कि अगर हमारी टेक कम्युनिटी में कोई लेडीज आके काम करे, तो जो बेसिकली लेडीज जो हैं वो उनसे सीखें कि अगर वो काम कर सकती हैं यूट्यूब पर, वो भी एक हाउसवाइफ बनके, और उनके पास भी काफी, उनके साथ भी काफी प्रेशर है, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं, आपके भी काफी समस्याएं आई होंगी पहले। सर समस्या इतना समस्या है कि 2 बच्चे हैं, मुझे ही मैनेज करना है। आपको सर मैंने दिखाई दिया, आप मेरे घर आए, आप देखे ही, और आपने घर भी देखा कि कितना सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो यही चीज है कि आप देखे, एक्सक्यूज देना सभी लोग जानते हैं, तो हर कोई देना देते हैं कि हम काम नहीं है, ये है वो है, हमारे हस्बैंड नहीं माने। सबसे बड़ी चीज सर एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए, अगर सोशल मीडिया पे आना है तो एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए। एक्सक्यूज वाले कभी नहीं आगे बढ़ते हैं, जो मेहनत और काम करते हैं लगन के साथ, और वो ये ठान लेते हैं कि नहीं हम यूट्यूबर बन के रहेंगे, तो भैया वो आगे बढ़ते हैं। और काम करना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप इन्हें जरूर सपोर्ट करें। मैं चाहता हूँ कि हमारी टेक कम्युनिटी में एक लेडीज भी आगे आए और वो भी यूट्यूब पर अपना जो भी एजुकेशन है आपको सिखाएं कि कैसे यूट्यूब पर काम किया जाता है, कैसे कैसे यहाँ से अर्निंग की जाती है, और भी कौन कौन आपको मोटिवेट भी करती हैं ये, और साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आप लोग इन्हें सपोर्ट जरूर करना, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मेंशन भी कर दिया है टॉप में, टेक ऐश्वर्या। अभी फिर से प्रेजेंट टाइम में मैम काम कर रही हैं, कंटिन्यू काम करें, इनका काम देखिएगा और आप इनसे मोटिवेट होइएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, मैं काफ़ी दूर से आया और ये मैं रियल एक्चुअली में सच में रियलिटी आपको दिखाने वाला था कि एक्चुअली में सब्सक्राइबर और वॉच टाइम पूरा कर लेने से, मोटिवेशन ऑन करा लेने से हमारे चैनल पर अर्निंग नहीं होती। अर्निंग होती है सिर्फ नाम मात्र का होती है, कभी 10 रुपये मिलेंगे, कभी 20 मिलेंगे, उससे आपका घड़ा नहीं भरेगा। सर डेली का मतलब $1 भी नहीं बनता और मेरे व्यूज 2500 से 3000 आते हैं। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि नए चैनल में यूट्यूब पैसा बहुत कम लेता है। वही चीज है कि जब तक आप अच्छी ऑडियंस नहीं बना लेंगे, और एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को कि मैंने आज तक कोई भी स्पॉन्सर नहीं किया है, जो आप लोग स्पॉन्सर के पीछे जा रहे हो। तो अभी स्पॉन्सर नहीं, एक सबसे पहला काम है कि हमें चैनल को ग्रो कराना, एक ऑडियंस अच्छी बना लेना, स्पॉन्सर आपके पीछे पीछे खुद दौड़ के आएंगे। बात समझ गया? आशा करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और आप जितने भी चाहने वाले हमारे टेक चैंपियन सपोर्ट फैमिली के, आप इन मैम को जरूर सपोर्ट करिएगा।
मैं चाहता हूं कि आप इन्हें सपोर्ट करें ताकि ये भी आप लोगों का सपोर्ट करें। अगर आप एक आपस में मिलकर काम करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम लोगों से सीखिए और आगे बढ़िए, हमारी यही दुआ है। और मैं उन सभी क्रिएटर्स, जितने भी स्मॉल क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब पर दिल से काम कर रहे हैं, जितना हो सकेगा मैं उनसे कोलैब करूंगा, उनके पास आने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, आपका काम यूनिक होना चाहिए, आपका पेशेंस यूनिक होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद होगी। फिर मिलता हूं एक और कमाल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।